जादवपुर को, जादवपुर ने मुगल विरोध को 171 रनों का टारगेट दिया है। यहाँ पे और हमारे यहाँ पे साथी कमेंटेटर पहुंच चुके हैं सुजीत कुमार। बाहर राजा का निकाल दो, बोल दे बाहर भाई से, बोल दिया। आप सभी का सरप्राइज खान सिक्स क्यू में स्वागत है। पल भाई, अब राजा सब फिट प्लस जादवपुर में, जादवपुर ने 14 ओवर में 170 रन बनाए हैं और मुगल विरेचा को इस मैच को जीतना होगा तो 14 ओवर में 171 रन बनाना होगा। यहाँ पे मुगल विरेचा के तरफ से ओपन करने आए कुछ पल्लू और अशोक। स्ट्राइक पे है पल्लू, नॉन स्ट्राइक पे है अशोक। आने वाले भी बैट्समैन बहुत अच्छे अच्छे हैं। फ्री में फाइनल में जाने के लिए बबलू है, लेफ्ट हैंड बबलू बहुत अच्छे बैटिंग करते हैं। हाँ भाई देखिए कितना ओवर लेकर आए हैं प्रदीप, पहले ओवर लेकर आए हैं प्रदीप। हट जाइए इधर थोड़ा सा, इधर आ जाइए। स्वागत है सुजीत कुमार। इस मैच को जीत के लिए 171 रन बनाना है 14 ओवर में मुगल विरेचा। गौरी बाबा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ मुगल विरेचा बनाम जादवपुर। और मुगल विरेचा की तरफ से सलामी जोड़ी क्रीज पे मौजूद है पल्लू और अशोक के रूप में। दोनों ही टीमें जबरदस्त परफॉर्म करके यहां पर अपना जगह बनाई है और इसी बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है स्क्वाड ने 6 रन के लिए, 6 रनों के लिए। ये जो अभी बल्लेबाजी का जिम्मा मुगल विरेचा की तरफ से संभालने के लिए आए हुए हैं क्रीज पे मौजूद है लोकल बॉय पल्लू के रूप में, जो कि पिछला मैच सलामी जोड़ी 165 रन चेस करके जिता दिया था, जिसमें पल्लू ने अकेले 92 रन का पारी खेला थे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा अद्भुत अविश्वसनीय है, जो कि एक लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए बहुत ही जो कही जाए दुर्लभ शॉट यहां पर पल्लू के बल्ले से निकलता हुआ। और यहां पे छतों की हैट्रिक जो कही जाए बरसात कर दिया है पल्लू ने, एक से बढ़कर एक अपने पिटारे से यहां पर बाउंड्री निकालते हुए पल्लू। कमेंटेटर राजू और इसी छक्के के सहारे स्कोर जब पहुंचा 18 रन पहला ओवर प्रगति पे। जैसा कि मैं बता रहा था सलामी जोड़ी ही पल्लू की टीम ने, पल्लू और सरफराज खान ने सलामी जोड़ी के रूप में ही मैच को जिता दिया था। और इसी बीच चोट लगा रहे हैं पल्लू, रिवर्स स्वीप खेल दिया है 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शॉट यहां पे जो अपने पिटारे से एक से बढ़कर एक शॉट दिखा रहे हैं पल्लू, दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं यहां पर। दर्शकों की जिस तरह की उम्मीद है उस उम्मीदें पर खड़े उतरते हुए पल्लू। और खास करके पल्लू के लिए ये प्राउड मोमेंट होगा क्योंकि इनके फैमिली भी यहां पर इनके परफॉर्मेंस को देख रही है। और इसी बीच एक और जबरदस्त छक्का, 6 रन, 4 बॉल 4 छक्का लगाए हैं पल्लू, लगातार 5 छक्के लगा रहे हैं पल्लू, 5 बॉल 5 छक्का लगाए हैं पल्लू।
जैसे मैं बात कर रहा था, बहुत ही गर्व का बात है यहाँ पर पल्लू के लिए, और जो इनके सगे संबंधी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, काफी अद्भुत और अविश्वसनीय यहाँ पे कही जाएगी बैटिंग पल्लू द्वारा। है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है पल्लू। बॉलिंग मार पे है आकिब, इस बार सामना करेंगे अशोक का। आकिब आए हुए हैं जादवपुर की तरफ से बॉलिंग के लिए, सामना करेंगे अशोक। और इसी बीच खेल दिया है सामने की तरफ, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के सहारे रन जा पहुंचा 34 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे। हाँ भाई, आखिर तो गई है कि कुछ कर सकते हैं बॉलिंग में पल्लू और अशोक के द्वारा। अच्छा, जो यहाँ बॉलिंग करेंगे तो मैच बन सकता है, मनोरंजन किया जा रहा है दर्शकों का। इसी बीच आकिब की बहुत ही बढ़िया बॉल, एयरकर लाइन की बॉल, हल्के हाथों से डिफेंस कर दिया। एक बार फिर से चलेंगे आकिब, और सामने की तरफ खेल दिया है फील्डर, बॉल के पीछे दौड़ लगाते हुए, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा 38 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे। विदाउट जीत के लिए 171 रन चाहिए और 38 रन हो गया दो ही ओवर में, अभी दूसरा ओवर चल ही रहा है। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पर खेल दिया है अशोक ने, रन लेने का कोई मौका नहीं, फील्डर मौजूद। देखिए ये छक्का अशोक द्वारा काफी दूर, 6 रन सामने की तरफ। इस ओवर का तीसरा बाउंडी, 2 चौका, 1 छक्का लगाए हैं अशोक इस ओवर में। माफ कीजिए, एक बॉल बाकी है, काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेले अशोक। 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर जा पहुंचा है मोगल विरोचक का 44। हाँ भाई, सऊदी से आए होंगे आखिर, पता नहीं। बहुत ही उम्दा बैटिंग कही जाएगी पल्लू द्वारा, जिनका होम ग्राउंड है और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बॉलर ने अफरोज आए हुए हैं, सामना करेंगे पल्लू, जो कि बॉलिंग करने आए। पहले ओवर में 5 छक्के लगा करके बैटिंग कर रहे हैं, क्या कड़ा प्रहार करने का, बिल्कुल कमर जो तोड़नी है बॉलर की वही काम कर रहे हैं यहाँ पर पल्लू। बहुत ही उम्दा बैटिंग कही जाएगी, और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन बॉल पल्लू ने देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। 7 बॉलों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं पल्लू। वहां पे एक छोटा सा बच्चा टहल रहा है, जल्द से जल्द निकले वहां पे बोले। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमबैक कहा जाएगा अफरोज द्वारा। दो तो बॉल डॉट हो गया, 4 में 4 लगाना पड़ेगा, तब तो 4-6 होगा। और एम्पायर का इशारा व्हाइट का, दिशाहीन बॉल थी। क्या जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाया है अभी तक पल्लू ने, बहुत जबरदस्त यहां पर बैटिंग का नजारा पेश किया है, दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। और इसी बीच बहुत ही बढ़िया कमबैक कही जाएगी अफरोज द्वारा, पूरा प्रयास है इनका पल्लू को खामोश रखने का, और उसमें सफल भी हो रहे हैं।
हाँ भाई अभी स्टार्ट हुआ, सेकंड इनिंग है, 171 रन चाहिए जीत के लिए, क्योंकि अभी तीसरा ओवर चल रहा है, खेलना होगा इनको मोगल विदेचा की तरफ से। और इसी बीच एक गंदा चुप्पी छक्का लगा दिया हर मिड विकेट के क्षेत्र में, छह रनों के लिए हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, छह रनों के लिए, और इसी छक्के के सहारे स्कोर जब पहुंचा 51 रन तीसरा ओवर प्रगति पे। क्या जबरदस्त यहां पे तीसरा ओवर चल रहा है, 51 रन हुआ है। अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाते हुए यहां पर पल्लू लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में छह रनों के लिए, और इसी छक्के के सहारे स्कोर जब पहुंचा 57 रन तीसरा ओवर प्रगति पे। ठीक बात शाबाश, क्या बढ़िया जो कही जाए, निशब्द कर दिया है एकदम बोलने के लिए। इस ओवर में दो छक्का लगाए पल्लू, 57 रन, तीन ओवर 57 रन, कोई भी नुकसान नहीं। क्या जबरदस्त, मैं जो बता रहा था निशब्द, कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है पल्लू, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम पड़ रही है। और इसी बीच बॉलर ने पंकज आए हुए हैं, सामना करेंगे अशोक, जो कि बखूबी पूरे जिम्मेदारी का साथ निभा रहे हैं पल्लू का, एकदम ताल में ताल मिलाकर इनिंग को आगे लेकर जाते हुए अशोक और पल्लू। बोलिए प्रवेश भैया, तीन ओवर की समाप्ति पे 57 रन पल्लू, जो कि अपना निजी स्कोर 42 रन बनाकर खेल रहे हैं 12 गेंदों में, और सातों छक्के सिंगल में कोई डील नहीं हुआ है अभी तक। इसी बीच स्लोर वन हल्के हाथों से खेल दिया, जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन लेने का मौका, और इसी बीच एम्पायर का इशारा नो बॉल, और फिर यहां पर शेर को शिकार करना नहीं पड़ रहा है। 171 पर जीत है परवेज भैया, शिकार खुद उनके जो कहा जाए चौथा ओवर चल रहा है, 60 प्लस रन हो गया, 14 ओवर में 171 चाहिए, 60 प्लस रन हुआ है अभी, चार ओवर चौथा ओवर चल रहा है अभी। और फिर पंकज चलेंगे पल्लू के लिए, उम्दा खिलाड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर पल्लू द्वारा। और इसी बीच बहुत बेहतरीन शॉट खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में, पल्लू सिर्फ छक्के से बात कर रहे हैं, अभी 8 छक्का लगा चुके हैं पल्लू, इसी छक्के के सहारे स्कोर जब पहुंचा 9 छक्का लगा चुके हैं, 9 छक्का पल्लू, पल्लू जो कि 8 छक्का लगा खेल रहे हैं, लगातार छक्कों में डील कर रहे हैं, 48 रन बना चुके हैं 13 बॉलों में 48 रन, आए जो 48 रन है पल्लू का सारे के सारे छक्कों से ही बनाए गए हैं, अभी तक कोई सिंगल नहीं लिया है पल्लू ने, बहुत ही आक्रामक रवैया यहां पर ऐसा कर दिया है, नो डिस्काउंट ऑन माय डेयरी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस,
जबरदस्त प्लेयर से देखने को मिल रहा है यहाँ पर गौरी बाबा के ऐतिहासिक ग्राउंड पे। इसी बीच पंकज चलेंगे। हाँ परवेश भैया, और इशारा भाई काफी अनुभवी एम्पायर है हमारे। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पल्लू यहाँ पे। इसी बीच एक और दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड। अभी मात्र एक बॉल ही किए हैं पंकज अपने ओवर का। पल्लू मात्र दो रन दूर अपने अर्धशतक से। इसी बीच पंकज चलेंगे एक बार फिर से पल्लू के लिए। और बहुत ही खूबसूरत बॉल यहाँ पे खेलने का प्रयास था, बैट और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 48 रनों के अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए पल्लू मात्र दो रन पीछे अपने अर्धशतक से। और इसी छक्के के सहारे एम्पायर बोलता अब पल्लू 50। क्या जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है, बिल्कुल बॉलरों को लचर पड़ती में ढकेलते हुए यहाँ पर पल्लू बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे खूबसूरती के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए। पल्लू सिर्फ छक्कों से ही डील किया है अभी तक, 15 गेंदों में 54 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अगला बॉल फ्री हिट है पल्लू के लिए। और इसी बीच एक और खूबसूरत शॉट, 6 रनों के लिए। इसी छक्के के सहारे स्कोर जब पहुंचा 80 रन। 16 गेंदों में 60 रन बनाकर खेल रहे हैं पल्लू अभी तक अपने पिटारे से। 10 छक्के ही निकाले हुए हैं और केवल छक्के से ही डील कर रहे हैं पल्लू। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। केवल छक्कों में ही डील किए हैं अभी तक पल्लू। सिंगल लेना नहीं चाह रहे हैं। अरे भैया जियो भी नहीं चल रहा है और ऐप से चलाने पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है और एयरटेल भी नहीं चल रहा है उतना। ये जिस तरह से धुलाई कर रहे हैं, इतना धुलाई तो धोबी भी नहीं करता है कपड़ों की। क्या जबरदस्त यहाँ पे। और इसी बीच पहले फेसबुक से चलाना पड़ रहा है, इसकी वजह से क्वालिटी उतना सही नहीं आ रहा है। और लाइव ऐप है जो उससे नहीं चल पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चौथा ओवर प्रगति पे। अगर जादवपुर को इस मैच में बने रहना है तो पल्लू का विकेट बहुत ही जरूरी है उनके लिए। चार रन भाई, ये मार रहे हैं तो सिर्फ छक्के और मार रहे हैं तो सिर्फ चौका। लगातार ये दूसरा चौका पल्लू के बल्ले से निकलता हुआ और इसी चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा 88 रन। 4 ओवर के समाप्ति पे पल्लू जो कि 19 बॉलों में 68 रन बनाकर अपना निजी स्कोर पे खेल रहे हैं। यहीं पर पूरा जो कि है साथ निभा रहे हैं पल्लू का। 7 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं अशोक। अब बॉलिंग करने आए हैं गोगा। गोगा आए हुए हैं, सामना करेंगे अशोक गोगा का।
सरफराज खान सिक्स किंग। इस धुवंधर मुकाबले का आनंद ले सकते हैं आप फेसबुक चैनल पे, घर बैठे आनंद ले सकते हैं। 19 गेंदा में 68 रन बनाकर खेल रहे हैं पल्लू, सिर्फ छक्के और चौकों में ही डील किया है अभी तक। 10 छक्के और 2 चौके लगाकर खेल रहे हैं पल्लू। सीधा बोल डाला गया ऐसा जगह भैया बात है ना सफाई का नहीं कर रहा और गोगा आए थे और गोगा गए। क्या जबरदस्त शॉट यहाँ पर खेला है पल्लू ने मिड विकेट के क्षेत्र में। 11 छक्का लगा चुके हैं अभी तक, फायर है, 11 छक्का लगा खेल रहे हैं और 2 चौका, सिंगल अभी तक एक भी नहीं लिया है पल्लू ने। 20 में 74 बनाकर खेल रहे हैं, एक यहाँ पे इतिहास लिखते हुए पल्लू, जो कि अभी तक कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं किया था इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे। एक भी सिंगल नहीं है, 11 छक्का और 2 चौके लगाकर खेल रहे हैं पल्लू इस गौरी बाबा के ऐतिहासिक ग्राउंड पे। लोकल बॉय इतिहास लिखते हुए और इसी भी सामने की तरफ खेल दिया है और ये पहला सिंगल लिया है अभी तक। इरादा तो नहीं था, और इसी एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 96 रन। 5वां ओवर प्रगति पे विदाउट एनी लॉस। एक तरफा मैच देखने को मिला है अभी तक। जादवपुर की टीम ने बॉलिंग में अभी तक डोमिनेट नहीं किया है अपने आप को और बखूबी साफ निभा रहे हैं यहाँ पर अशोक। ये भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, नहला पे दहला रखे जा रहे हैं। और इसी चौके के साथ 104 रन 5वां ओवर प्रगति पे अशोक चौकी 21 बॉलों में। जादवपुर के टीम के तरफ से बहुत ही साधारण बॉलिंग देखने को मिली है। अशोक मात्र 10 बॉलों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं और पल्लू 21 बॉलों में 75 रन, जिसमें मात्र एक सिंगल है। एक बार फिर से चलेंगे गोगा अशोक के लिए। और क्या खूबसूरत शॉट, 171 रन चाहिए टारगेट में खेल दिया है, जिसके लिए 171 रन चाहिए। अद्भुत अविश्वसनीय शॉट यहाँ पर, क्लासिकल जो कही जाए, अपने पिटारे से शॉट निकालते हुए यहाँ पर अशोक। और इसी चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा 108 रन 5 ओवर के समाप्ति पे। इस शॉट में विराट कोहली की झलक देखने को मिल गई है। क्या ही खूबसूरत शॉट खेला पॉइंट के गली में। और इस ओवर में गोगा ने 20 रन खर्च किए और एक भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। और नए बॉलर आए हैं आकी, जिनका सामना करेंगे पल्लू, जो कि पल्लू के सामने नजर आ रहे हैं लल्लू। हाँ आकी भाई, और क्या मैं जो बोला वो करके दिखाया है। 6 रन लगाए, 12 छक्के लगा चुके हैं अभी तक पल्लू। भाई भाई सरफराज बाहुबली 81 रन बनाकर खेल रहे हैं पल्लू। 53 बॉलों में 57 रन की आवश्यकता है मोगल विजेता की टीम को। मात्र 19 रन दूर है पल्लू अपने शतक से। आकिब जो कि बहुत अच्छे बॉलर के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पे करके भी दिखाया, बहुत ही बेहतरीन बॉल। फील्डर जब तक फील्ड करते एक रन लेने का मौका,
मुगल बिरेचा मैच हो रहा है भाई। और इसी एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 114 रन छठा ओवर प्रगति पे। इसी मैच में खेले थे भाई, फर्स्ट मैच में खेले थे, आज नहीं खेल रहे हैं बिना किसी नुकसान। मुगल बिरेचा की टीम से खेले बसों के लिए। और बहुत ही खूबसूरत शॉट सामने के तरफ अशोक ने 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा 121 रन छुआ ओवर पर गति पे। अशोक जो कि 12 में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक तरफा मुकाबला यहां पे होता हुआ। और इसी बीच पटकी हुई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी तक एक भी विकेट लेने में सफल नहीं हो पाई है जादवपुर की टीम। क्या शॉट है अशोक का, बहुत ही जबरदस्त। 6 रन एक बार फिर से अशोक के बल्ले से निकलता हुआ। और कल का ग्रैंड फाइनल महा मुकाबला देखना ना भूले। मुनमुन 11 जो कि अपना जगह पूरी तरह से पक्की की हुई है फाइनल में। हेलो मेरा भाई बोलिए, विजयी होती है। और इसी बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। एक रन लेने का मौका जीबीसीसी गौरी बाबा क्रिकेट क्लब के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे 128 रन 6 ओवर के समाप्ति पे। मैं बोल रहा हूं जीबीसीसी गौरी बाबा क्रिकेट क्लब के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे कल का फाइनल मुकाबला देखना ना भूले। मुनमुन 8 ओवर में बनाम जो इसमें से जीत कर टीम जाएगी 8 ओवर में 43 रन बनाना है जीत के लिए। और एक बार फिर से गोगा 6 रन और फिर से गए गोगा। क्या जबरदस्त शॉट यहां पर अशोक के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा 134 रन 47 रन बनाकर खेल रहे हैं यहां पर अशोक। बाहुबली का मैच मोतिहारी में हो रहा है अपने अर्धशतक से। और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते एक रन लेने का मौका। इशारों ही इशारों में रन चुरा रहे हैं यहां पर। और अपने इस बल्लेबाजी से शतक की तरफ बढ़ते हुए पल्लू सामना करेंगे गोगा का। मात्र 46 बॉलों में 36 रन की आवश्यकता मुगल बिरेचा को फाइनल के लिए। और गोगा का बहुत ही बेहतरीन बॉल यहां पर पूरी तरह से बीट कराया पल्लू को। पल्लू जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मात्र 6 छक्कों से दूर है अभी तक मुगल बिरेचा की टीम जीत से। और बहुत ही बेहतरीन बॉल और उतनी ही बेहतरीन शॉट यहां पर, फील्डर जब तक फील्ड करते एक रन लेने का मौका। और इसी एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 136 रन 7वां ओवर प्रगति पे। मात्र 2 रन दूर है अशोक। लाइव नहीं पता है भाई किस पे चल रहा है। और इसी बीच छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया है अशोक ने। क्या जबरदस्त यहां पर बैटिंग कही जाएगी अशोक के द्वारा। 18 बॉलों में 54 रन बनाकर खेल रहे हैं अशोक। 5 छक्का 5 चौके लगाकर खेल रहे हैं अशोक। एक से दूसरा सवा से और किया है जादवपुर को ढेर। और स्कोर जब पहुंचा है 142 रन 7वां ओवर प्रगति पे। और बहुत ही खूबसूरत डिफेंस, बहुत ही समझदारी के साथ यहां पर बैटिंग। देखिए भाई सरफराज खान आते हैं कि नहीं फाइनल में। इंटरनेशनल लेवल का झलक जो है यहां पर दिखा रहे हैं
और जो प्लेयर का स्पिरिट होना चाहिए वो यहाँ पर अशोक दिखाए। मात्र 18 रन दूर है पल्लू अपने शतक से। इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे क्या एक और ऐतिहासिक पल्लू को 100 रन बनाने में को मिलेगा पल्लू के बल्ले से। दर्शकों की यही उम्मीद है उनसे। और पंकज आए हुए हैं बॉलिंग के लिए, जिनका सामना करेंगे पल्लू। मात्र 25 गेंदों में 82 रन बनाकर खेल रहे हैं यहां पर पल्लू। 12 छक्का 2 चौका और 2 सिंगल के मदद से। अरे पिच बार उतना खराब थोड़ा जिस कारण छक्का गए। स्कोर भी कम बना है। स्कोर शुरू का 4 ओवर में ऐसे किया ना 300 प्लस चाहिए यहाँ। गेंदा भी रन नहीं था 16-17 छक्का में। और इसी बीच और 2 छक्का लगाना है पल्लू को के लिए। ये आप 100 रन के लिए। रन बना अभी तक हो अभी कोई प्लेयर यहाँ पर 100 रन नहीं बनाए इस टूर्नामेंट में। और पल्लू जो कि 88 रन 26 बॉलों में बनाकर खेल रहे हैं। और इसी बीच फील्डर के ऊपर से खेल दिया। अभी तो सबसे ज्यादा यहाँ पर खालिद बनाए थे कल 92 रन। छक्के के सहारे पल्लू का निजी स्कोर 94 रन 94 रन 27 बॉलों में। फर्स्ट बैट्समैन बन गए यहाँ पर सबसे ज्यादा रन लगाने वाले इस टूर्नामेंट में। स्कोर जा पहुंचा है 154 रन 8वां ओवर पर गति पे। 40 बॉल में 17 रन की आवश्यकता मुगल विदेचा की टीम को। और इसी बीच लेग बाई के रूप में यहां पर 4 रन और इसी चौके के सहारे मुगल बिलेचा के स्कोर जा पहुंचा 158 रन 8वां ओवर प्रगति पे। अभी तक एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाई है जादवपुर की टीम। एकदम से एक तरफा मुकाबला बना दिया है। 171 पर जीत है भाई। और मुझे लगता है सलामी जोड़ी ही इस मैच को जिता देगी। चार रन 2 रन और दूर है अपने शतक से पल्लू। और इस चौके के सहारे 98 रन पे जा पहुंचा है पल्लू का निजी स्कोर। अड़तीस बॉलों में मात्र 9 रन की आवश्यकता है मुगल विरेचा की टीम को। और आउट हो गए यहाँ पे पल्लू। 98 रन बनाकर आउट हो गए पल्लू। जोड़ते हुए क्या जबरदस्त यहाँ पे जो इनिंग कही जाएगी। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए ऐसे बैट्समैन को जो कि एक तरफा मुकाबला यहाँ पर बनाकर अपने टीम के लिए। मोनू 50 प्लस मारे थे रन और पल्लू की जगह जीत के लिए 9 रन चाहिए। और विनय बैटिंग करने आ रहे हैं। विनय जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर के रूप में जाने जाते हैं आज बैटिंग करने के लिए ऊपर मौका मिला है मुगल विजेता की तरफ से। और बहुत ही बेहतरीन बॉल यंकर लाइन की बॉल पंकज द्वारा। और 8 ओवर की समाप्ति पे 162 रन 1 विकेट के नुकसान पे मुगल विरिचा। एक सफलता मात्र जो पंकज के हाथ लगी पल्लू के रूप में। बहुत बड़ा विकेट चटकाया लेकिन अब एकदम एक तरफ बॉलिंग करने आए हैं मोनू। जाते हुए पल्लू अपने टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है यहाँ पर 98 रनों के रूप में। जो बच्चे ग्राउंड के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं। और इसी बीच अशोक के बल्ले चलता हुआ बहुत ही खूबसूरत सा शॉट।
और इसी छक्के के सहारे 168 रन मात्र 3 रन दूर से अपने मुगल विरेचा 35 बॉलों में मात्र 3 रन दूर है मुगल विरेचा की टीम। मात्र एक सफलता हाथ लगी पंकज के जादवपुर के तरफ से, फिर से 6 रन और फाइनल में पहुंच गए हैं मुगल विरेचा की टीम। फाइनल में पहुंच गए हैं मुगल विरेचा की टीम।